प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी प्रत्याशियों ने अब राहत की सांस ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद जयपुर शहर से भाजपा के प्रत्याशी रामचरण बोहरा इलेक्शन बूथ में रिलैक्स मूड में पूरे दिखाई दिए हैं। ऐसे में बोहरा ने अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताए। इस मौके पर बोहरा ने कहा कि बीते कुछ दिनों से परिवार वालों के लिए समय नहीं निकल पा रहा था, लेकिन अब चुनावी कामकाज की चिंता खत्म हो गई है। वहीं पर इस मौके पर रामचरण बोहरा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी समीकरणों पर चर्चा की है। इस दौरान हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरोका ने की रामचरण बोहरा से खास बातचीत। प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तमाम जो नेताओं की जो चुनावी भागदौड़ थी वो अब थम चुकी है। लगातार एक डेढ़ महीने से जो भाजपा के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे और तमाम जो नेता थे वो चुनाव में व्यस्त थे और अपने घर परिवार को भी समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब चुनाव संपन्न होने के बाद अब नेताओं का जो फुर्सत के क्षण उनमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा जी के आवास पर, जहां पर आज वो काफ़ी दिनों बाद अपने परिवार के साथ फुर्सत के क्षणों में बैठे नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे बोहरा जी से। बोहरा जी, कितने दिनों बाद आज अपने परिवार के साथ बैठे हो चुनावी माहौल के बाद? लगभग डेढ़ महीना का अंतराल हो गया। 21 मार्च को जब मेरे नाम पर केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मोहर लगाकर विश्वास जताया, तभी से मैं और भारतीय जनता पार्टी के का जनप्रतिनिधि हो कार्यकर्ता हूँ, उनके साथ मिल बैठकर योजना बनाना और लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए इसके लिए काम किया। कल रात देर रात तक वोटिंग मशीनें, ईवीएम मशीनें यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमा हुई। चुनाव के दौरान आपका क्या रूटीन रहता था? कितनी बजे आप सुबह घर से निकलते थे और कितनी बजे तक आप घर लौटते थे रात को? तब तक आप आते होंगे, शायद आपकी पोती भी जो आपके पास बैठी है वो भी सो जाती होंगी, कभी मिलना हुआ नहीं हुआ, इतनी भागा दौड़ी, एक टेंशन भी रही चुनाव की माहौल में। अब कैसा लग रहा है आपको आज परिवार के साथ बैठे, और पहले इस एक महीने में आप कितनी देर तक घर पर रुके हो, क्या स्थिति रही चुनाव के दौरान? हमेशा मैं फ्री मूड में रहने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा कार्यकर्ता के बीच में रहता हूँ। परिवार को जितना समय पहले दिया है उससे थोड़ा बहुत कम समय अभी ज़रूर मिला है 45 दिन में। बाकी सवेरे मेरे 4 बजे उठने का डेली का रूटीन है, पूजा पाठ करके कार्य 7 बजे यहाँ से रवाना होता था, 8 बजे रवाना होता था, बच्चों से बातचीत करने का सवेरे मौका मिलता था, जो बात उसको भी होता था। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम। पोती भी बैठी है गुड़िया, जो हमेशा इनके साथ खेलती रहती थी, लेकिन चुनावी माहौल में अपने दादा इनके लिए समय नहीं निकाल पाए, हम उनसे भी बात करेंगे। आज कितने दिनों के बाद अपने दादाजी के पास बैठे हो चुनाव के बाद? अभी तो बहुत दिन हो गए हैं दादू के साथ बैठे हुए और बातें करते, तो आज जाकर मैं दादू के साथ बैठ कर सारी बातें कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चुनावी माहौल में सांसद महोदय अपनी अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाए, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो गए हैं तो पूरे परिवार के साथ खुशियत के क्षण में हैं। अब देखना यह कि 23 मई को जो चुनाव परिणाम आएगा तो क्या रामचरण बोहरा एक बार फिर जयपुर शहर में भाजपा का कमल खिला पाएंगे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरूका, एवन टीवी जयपुर।